बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ स्क्रीन साझा कर चुके हिंदुस्तानी भाव अपने दोस्त के निधन से काफी दुखी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगा। वो एक दोस्त ने अपना भाई जैसा था, कुछ ऐसे वक्त उसके साथ गुजारे बिग बॉस के अंदर और बाहर भी आने के बाद कुछ ऐसे वक्त गुजारे जो जिंदगी भर ना भूल नहीं पाएंगे, तो उसके आत्मा को शांति मिले, बस यही बोलना चाहूँगा और क्या बोलूँ। क्योंकि आज ये मेरे पापा के गाने के लिए मैं जा नहीं पाया और कल मैं वहाँ पे ही था, हॉस्पिटल में ही था, उनके घर पे भी था, तो बस उनके परिवार को ऊपर वाला ये करे। उसकी मम्मी से कुछ बात हो पाई तो कुछ किस तरह बात है, किस तरह आपने बातचीत किया है तो मीडिया की तरफ कुछ मैंने उनके माँ से बात किया कल जाके घर पे, तो मैंने पूछा कि ये अचानक में ऐसा कैसा हो गया, तो बोले कि वो सब ठीक है, खाना बिना खा के सो गया था। 3:30 बजे उसने मुझे बोला कि माँ मुझे ठंडा पानी चाहिए, मुझे बेचैनी सी हो रही है, तो उन्होंने उनको पानी दिया, फिर बोले कि आइसक्रीम भी खाया उसने और सो गए। 10:00 बजे वो अलार्म लगा के रखता था जिम जाने के लिए, तो सुबह अलार्म बजने के बावजूद भी वो नहीं उठा, तो उनके माँ ने जाके देखा, तो जो भी हुआ गलत हुआ। इस दुखद खबर को सुनने के बाद भावुक कूपर अस्पताल पहुंचे थे और बाद में उन्होंने सिद्धार्थ के घर उनके परिवार से मुलाकात की। सिद्धार्थ के परिवार में उनकी माँ और 2 बहनें हैं। सिद्धार्थ की सबसे अच्छी दोस्त और कथित गर्लफ्रेंड शहनाज गिल इस हादसे से पूरी तरह से टूट गई हैं। वह उनके अंतिम दर्शन के लिए शमशान घाट पहुंची थी। भाऊ ने यह बात अपने आगामी न्यू सॉन्ग गणपत के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान कही। इसके बाद उन्होंने अपने इस गाने के बारे में बताते हुए कहा, सुशील भानुशाली जी है, सुरेश भानुशाली, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि एक भाऊ गणेश जी के ऊपर मुझे गाना करना है, तो आप करेंगे क्या? और मैं कैसा है कि गणपति पापा का बहुत बड़ा भक्त है मैं, तो ऐसे ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये गणपति पापा का गाना मिला, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी उनको कि मैं, पहला तो क्या है मालूम है, बेचारे सब कोरियोग्राफर और ये सब ज़्यादा मेहनत मेरे पे कर रहे हैं क्योंकि मेरे को डांस नहीं आता है करने, तो उन लोग मेहनत कर रहे, तो जितना हो सके मेरा मैं कोशिश कर, एक ही बापा गणपति बापा अगर आपके साथ में है तो फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अगर आपको पूरे वक्त में अच्छे वक्त में साथ दे रहा है तो फिर आप लोगों का परवाह मत करो कि क्या होगा और क्या कोई क्या करेगा। INS रिपोर्ट।